Hello guys, I'm Kushagra from Road to IPM and we are back with another video on IPM admission policy 2023 for IIM Jammu. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना एंड हाँ कमेंट सेक्शन में बताना कि इस वीडियो में अगर आप लोगों को कोई सजेशंस हो या कोई फ्यूचर आइडियाज़ हो सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वीडियो। तो सबसे पहले तो मेंशन किया है द बैच साइज इज लाइकली टू बी अराउंड 120। सो जो इनटेक होगा वो 120 हो जाएगा। इस ईयर 60 था, नेक्स्ट ईयर 120, सो टू टाइम्स हो गया इनटेक। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, सो सिलेक्शन प्रोसेस विल रिमेन द सेम एंड कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू जीआईपी मैट एग्जाम। सो जीआईपी मैट एग्जाम के बारे में आप लोगों को प्रायर नॉलेज होगा ही, विच विल बी कंडक्टेड बाई एन टी ए। एन टी ए कंडक्ट कराएगा नेक्स्ट ईयर भी एंड प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल ऑल्सो बी द सेम ऑन द बेसिस ऑफ जे आई पी मैट स्कोर, अकेडमिक प्रोफाइल एंड जेंडर डाइवर्सिटी। सो ये तीन फैक्टर्स रहेंगे जिससे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। नाउ मूविंग ऑन एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी के लिए कैंडिडेट शुड हैव पास स्टैंडर्ड 12th एंड स्टैंडर्ड 10th, ये तो ऑब्वियस है, एंड हैव अ मिनिमम ऑफ 60% इन क्लास 10 फॉर जनरल एंड ओ बी सी, 55% फॉर एस सी एस टी एंड पी डब्ल्यू डी कैटेगरी। एंड हाँ, इसमें एक और क्लॉज है कि एप्लीकेंट्स परस्यूइंग द 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल स्कूल्स एफिलिएटेड टू फॉरेन बोर्ड्स लाइक IGCSE एंड IB, ये जो इंटरनेशनल बैचलरेट होता है, ये दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं इन बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी। सो कई सारे एग्जामिनेशन में नहीं लिए जाते हैं, सो ये इन लोगों ने अलग से अप्लाई कर दिया, मतलब मैंशन कर दिया है। नाउ रिगार्डिंग द मेरिट लिस्ट, तो मेरिट लिस्ट में वेटेज क्राइटेरिया जो है जेआईपी मैट एग्जाम के लिए 95% है एंड जेंडर डाइवर्सिटी के लिए 5% है। ये लास्ट ईयर तक 10% होता था बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स इट विल बी 5% फॉर आई एम जम। और जेंडर डाइवर्सिटी के लिए मेल को 0 मार्क्स एंड फीमेल को 5 मार्क्स है, तो काफ़ी ऑब्वियस है। नाउ मूविंग ऑन टू द कैटेगरी वाइज सेक्शनल कट ऑफ, तो जे आई पी मैट के जैसा कि पता होगा तीन सेक्शंस होते हैं, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन और वर्बल एप्ट। सो इसमें ये जो 50-50 या ये जो नंबर्स हैं स्पेसिफाई किए, मार्क्स नहीं, परसेंटेज नहीं। सो अगर आपके 50 मार्क्स से अगर ज़्यादा आते हैं तभी आप एलिजिबल हो मेरिट लिस्ट के लिए, नहीं तो आपको सीधे डिस्कालीफाई कर। तो जनरल कैंडिडेट्स को ईच सेक्शन में 50 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, AWS को 35, NCOBC 35 एज वेल, SC 30, ST एंड PWD 25 रिस्पेक्टिवली। सो इतने मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करने पड़ेंगे हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करने के लिए, अदरवाइज डिस्कालीफाई हो जाओ। टॉकिंग अबाउट द रिजर्वेशन पॉलिसी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो किया है। शेड्यूल्ड कास्ट 15%, ST 7.5, NCOBC 27%, AWS 10 एंड PWD 5। नाउ मूविंग ऑन टू द ऑफर एक्सेप्टेंस फी एंड विड्रॉल, तो इसमें इन्होंने साफ मेंशन किया है कि अगर जिस भी कैंडिडेट को अगर ऑफर लेटर आता है आई एम जम्मू से, सो ही और शी हैज़ टू पे एन ऑफर एक्सेप्टेंस अमाउंट ऑफ 50,000 विद इन द स्टिपुलेटेड डेट। सो आपको एक्सेप्ट करने के लिए ऑफर IPM प्रोग्राम में एंटर करने का 50,000 रुपीज़ पे करने होंगे, एंड इसमें ये भी साफ साफ मेंशन किया है कि हिज और हर ऑफर एक्सेप्टेंस अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द सेमेस्टर वन फी। मतलब आपको ये एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा, सेमेस्टर वन फीस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। एंड जब भी आपको ऑफर एक्सेप्टेंस का इनविटेशन लेटर आता है तो उसमें आप लोगों को विड्रॉल के लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया रहता है कि इतने टाइम के अंदर आप लोग OA विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो अगर आप लोग उसके अंदर विड्रॉल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पूरा अमाउंट वापस रिफंड हो जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग ₹1,000 एज प्रोसेसिंग चार्जेस, बट स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद अगर आप लोग वो रिफंड के लिए अप्लाई करते हो सो नो रिफंड ऑफ ऑफर एक्सेप्टेंस अमाउंट एंड सेमेस्टर फी विल बी मेड। ये क्लॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाद में जो कई बच्चों को, कई स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, इसमें आप लोग ध्यान रखना कि अगर ये तो बात की बात है बट फिर भी नो रिफंड ऑफ OAA एंड सेमेस्टर फी विल बी मेड अगर आप लोग स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई नहीं करते हो। फिर उसके बाद लास्टली है फॉर IPM रिलेटेड क्वेरीज प्लीज़ राइट टू, ये इन्होंने ईमेल दिया है, इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी फ्यूचर क्वेरी हो, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। सो ये वेबसाइट का जो लिंक है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, इससे आप लोग ये वेबसाइट विजिट करके खुद ही पॉइंट्स रीड डाउन कर सकते हो, एंड अगर कोई भी डाउट हो सो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना इसके रिगार्डिंग, इस आर्टिकल के रिगार्डिंग मैं रिप्लाई कर दूंगा, आई विल मेक श्योर। एंड बस दैट्स इट फॉर द वीडियो, बाय।